रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह हत्याकांड में चचेरे भाई पिंटू सिंह ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण। बता दें कि विगत 1 फरवरी को पीके राय कॉलेज के समीप रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। हत्या के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर प्रिंस खान के गुर्गे मेजर सिंह ने इस हत्या की जिम्मेवारी ली थी, जबकि रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में पत्नी रूनी सिंह ने अपने चचेरे देवर पिंटू सिंह एवं सिंटू सिंह के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद हत्याकांड को लेकर बैंक मोड़ थाने में केस दर्ज कराया गया था। केस होने के बाद पुलिस पिंटू सिंह और सिंटू सिंह के कई ठिकाने पर छापेमारी की, जिससे पुलिस को निराशा हाथ लगी। जबकि आज सोमवार को रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में पिंटू सिंह ने न्यायालय के समक्ष किया आत्मसमर्पण। वही इस हत्याकांड के मामले में अधिवक्ता रजनीश कुमार झा ने मीडिया को बताया कि रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में पिंटू सिंह जमशेदपुर में उपस्थित थे, जबकि उसका छोटा भाई सिंटू सिंह अपने घर पर मौजूद थे, जिसका वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद है। उपेंद्र सिंह हत्याकांड में पिंटू सिंह उर्फ प्रियव्रत सिंह आत्मसमर्पण किया और न्यायालय से ये बोले कि हम जो जमशेदपुर में थे उसका जांच किया जाए, क्योंकि हमको निर्दोष एफआईआर में गोतिया झगड़ा कांड फंसा दिया, जबकि वो वहाँ पे थे ही नहीं। ऐसा पिंटू सिंह का और वीडियो फुटेज वगैरह जो भी अवेलेबल है वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में, जमशेदपुर में थे, वहाँ के सोसाइटी से पुलिस छानबीन करे, वहाँ पता चला जाएगा कि क्या सच्चाई है। अब बेवजह इनका नाम इसमें घसीटा गया, लेकिन स्वेच्छा है, न्यायालय पर उनको पूरा भरोसा है, इसी कारण स्वेच्छा से उन्होंने आत्मसमर्पण। क्या लग रहा है कि पुलिस इस मामले में जो है, पुलिस यदि सही से जांच करे तो जरूर बहुत चीज सामने आएगी। मैं हाँ जी बोला जाए, मृतक का पत्नी रूनी सिंह ने पिंटू सिंह उनके भाई संतू सिंह का भी जो है आरोप लगाया, गलत आरोप जो बता रहे हैं एफआईआर के अनुसार, जो बोलते हैं कि घटना स्थल पे थे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आदमी जमशेदपुर में है, सीसीटीवी कैमरा बता रहा जमशेदपुर में, तो आपस में गोतिया के झगड़ा में उनको फंसाया गया है, कोई इन्वॉल्व नहीं है लोग। हत्या में गैंग्स को भी जोड़ा जा रहा है, गैंग्स का क्या गैंग्स तो पुलिस छानबीन करेगी, उसमें तो व्यक्तिगत न्यायालय को कोई लेना देना नहीं, वो तो पुलिस छानबीन करेगी क्या कहानी है। लेकिन हम तो अपने क्लाइंट को ही बोलेंगे, क्लाइंट हमारा निर्दोष है, जिसको अपने गोतिया के झगड़ा में इनको द्वेष की भावना से नाम डाल दिया गया, दोनों भाई के साथ खिलवाड़ हुआ इस केस। इस मामले में सिर्फ पिंटू सिंह ही आत्मसमर्पण नहीं, पिंटू सिंह आत्मसमर्पण किए और इसी मामले में इनका छोटा भाई जो घर में थे घटना के समय, जो सीसीटीवी कैमरा पुलिस इनके घर से उसका वीसीआर रिकवरी की है, वो भी रखी हुई है पुलिस छानबीन करने वाले, उसमें वो जेल में, जिसमें हम लोग लिख के भी कोर्ट को दिए थे कि पकड़ के रखे हुए हैं सायढ़ेला थाना में, लेकिन पुलिस जब यहाँ पे पिटीशन दिए और न्यायालय के द्वारा कॉल फॉर रिपोर्ट हुआ तो तुरंत उनको देखा गया, लाया गया और अभी वो भी न्यायालय मंडल का धन्यवाद। इधर जेल जाते हुए मीडिया से बात करते हुए पिंटू सिंह ने बताया कि हत्या के दिन जिले से बाहर था, पुलिस अपना काम कर रही है। जी बताएंगे क्या उपेंद्र सिंह हत्या मामले में, जी बताएंगे उपेंद्र सिंह हत्या मामले में आप सिलेंडर के क्या कुछ है। हमारे ऊपर एफआईआर हुआ है जी, इसमें कहा गया है कि घटना स्थल पर हमको देखा गया है, घटना के दिन से एक दो दिन पहले से हम जी और हम जिला से बाहर थे। मोबाइल पीछे करो, हमारे ऊपर एफआईआर हुआ है जिसका पुष्टि पुलिस बाहर से जारी कर चुकी है। हत्या को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ इनकी संलिप्तता हो सकती है, प्रशासन द्वारा क्या कुछ अब तक किया गया है? प्रशासन अपना काम अच्छे से कर रही है, एसएसपी साहब से बहुत जॉय विवाह भवन, हमारे यहाँ शादी पार्टी बर्थडे पार्टी सारा इवेंट मैनेजमेंट का काम सस्ते कीमतों पर किया जाता है। हमारा पता है दादा मार्केट ए ब्लॉक भूली बस्ती नियर हाटकोक भट्टा। मोबाइल नंबर 8420230376 और व्हाट्सएप नंबर 9297811334। SBS पब्लिक स्कूल कोचिंग सेंटर CBSE एंड जैक बोर्ड नर्सरी टू 5th एंड 6th टू 12th। हरी अप, एडमिशन ओपन, इजी लर्निंग, फन एक्टिविटीज, डे केयर प्रोवाइडेड एंड मोर। हमारा पता भूली बस्ती रोड पोस्ट भूली धनबाद। मोबाइल नंबर 9304885174।
और 8340276100।